हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल का एग्जाम होम सेंटर पर होगा। किस किस पाली में एग्जाम होगा और एग्जाम का शेड्यूल कौन तैयार करेगा और किस किस तारीख को प्रैक्टिकल का एग्जाम है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इन सबसे रिगार्डिंग हमारे पास हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब हमारा वीडियो प्रमोट करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं उस नोटिस पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है इस पेपर कटिंग का, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है प्रैक्टिकल का शेड्यूल तय करेंगे परीक्षा केंद्र। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन परीक्षा केंद्रों को बोला जाएगा एग्जाम लेने के लिए, जिन स्कूल का एग्जाम उस परीक्षा केंद्र पर पड़ेगा, उन लोगों के परीक्षा का शेड्यूल तैयार करने का जिम्मेदारी दिया है बोर्ड ने। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल स्कूल और कॉलेज अपने स्तर से बनाएंगे। जिस सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम पड़ेगा उस सेंटर के जो एग्जाम कंट्रोलर है वही परीक्षा को मतलब कि जो है तय करेंगे कि किस पाली में आपका एग्जाम होगा, आपका रोल कोड किस हिसाब से मतलब कि किस पाली में आपको रखा जाए। ठीक है, सारा शेड्यूल जो एग्जाम कंट्रोलर है वही तय करेंगे। ठीक है, उनको ये जिम्मेदारी दे गई है। आगे लिखा है बिहार बोर्ड ने 15 से 25 जनवरी के बीच प्रायोगिक परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यानी आपका जो एग्जाम होगा 15 से 25 जनवरी के बीच में होगा और रूटीन के अनुसार होगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस पाली में आपका एग्जाम होगा, उस दिन आपको होम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। आगे लिखा हुआ है इस दौरान सभी स्कूल और कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा लेनी है। किस तिथि को किस विषय की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी इसका निर्णय संबंधित केंद्र अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। ठीक है, जिस मतलब कि जिस सेंटर पर आपका एग्जाम होगा जो सेंटर है वो अपनी सुविधा के अनुसार आपका जो है वो पाली और जो भी टाइमिंग है उसका निर्धारण करेगा। आगे लिखा है कि परीक्षार्थी की संख्या के अनुसार केंद्र पाली की समय भी अपने अनुसार तय करेंगे। ठीक है, तो पाली का समय भी केंद्र अपने सुविधा अनुसार ही तय करेगा। आगे लिखा है कि ज्ञात हो कि इस बार इंटर प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ली जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बतला दिया है। फिर बोर्ड ने सभी केंद्राधीक्षकों को प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम की सूचना 15 जनवरी सुबह 8 बजे तक देने का निर्देश दे दिया है। आगे लिखा है केंद्राधीक्षक संबंधित परीक्षा केंद्र पर संबंध एवं आवंटित रोल कोड रोल नंबर के परीक्षार्थी का विषय वार तिथि एवं पाली की जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो वहां पर अब जाइएगा जब एग्जाम देने हो तो वहां पे आपको रोल नंबर और रोल कोड की सारी जानकारी पहले ही देना होगा जो केंद्र है उसको। ठीक है, आगे लिखा है कि जो छात्र स्कूल के सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं हुए वो प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो जो छात्र मतलब कि जो एग्जाम होता है स्कूल का सेंटर जो एग्जाम होता है, अगर उसमें आप शामिल नहीं हुए हैं तो आपको ये परीक्षा देने की अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि नॉन स्टेप जो नॉन सेंटर परीक्षार्थी भी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, तो आप जो सेंटर का एग्जाम नहीं दिए हैं उनको शामिल नहीं होना है। फिर बतला रहा है कि इसके अलावा दिव्यांग परीक्षार्थी अपने राइटर के लिए संबंधित DU का आवेदन दे सकते हैं। यानी जो विकलांग जन है, जो दिव्यांग जन है, वो अपने राइटर के लिए मतलब DU को आवेदन दे सकते हैं कि मेरे लिए एक राइटर की जरूरत है, वो DU की आवेदन दे सकते हैं। आगे लिखा है बोर्ड की मानो तो जिन स्कूल और कॉलेज में किसी संबंधित विषय में परीक्षार्थी की संख्या 60 से कम है ऐसे परीक्षार्थियों के पास के किसी दूसरे से टैग किया जाएगा। यानी कि 60 से कम जिनका भी मतलब कि होगा, जिस स्कूल का 60 से कम परीक्षार्थी है उनको दूसरे किसी मतलब कि विद्यालय से ही टैग कर दिया जाएगा और वहां पर ही उनका एग्जाम ले लिया जाएगा वहां से मतलब कि जुड़ाव करके। ठीक है, आगे लिखा है इसकी सूचना बोर्ड द्वारा संबंधित स्कूल और कॉलेज को दी जाएगी। एडमिट कार्ड में भी इसकी सूचना छात्रों को मिलेगी। ठीक है, तो आपको प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आपको जो होम सेंटर पे है जाकर आपको एग्जाम देना होगा। एडमिट कार्ड पर भी आपका पूरा डिटेल रहेगा किस दिन आपका एग्जाम है और उस पर छपा रहेगा, आपको जाकर एग्जाम देना है अपने जो भी पाली में एग्जाम होगा जिस दिन को आपको एग्जाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही आपको अपडेट देना था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।